हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे अमेरिलिस लिली की फ्लावरिंग पर। वीडियो नंबर 593 यानी 593 नंबर वीडियो में हमने शेयर किया हुआ है किस तरह से फ्लावर्स आने से पहले हमने बल्ब की थोड़ी सी देखभाल की थी और अब हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल गई है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। तो अब शुरुआत हो रही है धीरे धीरे फ्लावरिंग की, कलियाँ आती जा रही हैं और बहुत खूबसूरत फूल हमें मिलते जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो नंबर 593 में आप ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि हमारी लिली में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कुछ लोग अमेरिलिस लिली को हिपेस्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इतना डीपली हम बात नहीं करेंगे। आप बस इसको अमेरिलिस लिली के नाम से जान सकते हैं, जो कि काफ़ी है इतना। तो ये बल्ब जब हेल्दी होते हैं तो ये दो स्टिक भी दे देते हैं अगर ज़्यादा हेल्दी हैं, जैसे कि ये बल्ब आप देख रहे हैं, इसमें एक ही बल्ब में दो स्टिक आ चुकी हैं। फ्लावर स्पाइक जो है इसकी, फ्लावर स्टिक इसमें दो आ चुकी हैं और जो बाकी दोनों बल्ब हैं उनमें एक एक स्टिक आई हुई है। तो ऐसा हो जाता है, कभी दो स्टिक भी आ जाती हैं अगर बल्ब ज़्यादा हेल्दी है। तो इस प्लांट के लिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बल्ब हेल्दी रहना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना है कि प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं, हमने आपसे कई बार शेयर किया हुआ है, अगर आप उसमें पानी का ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो देखिए, धीरे धीरे हमारे जो व्हाइट और ये रेड दोनों प्लांट हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, दो प्लांट हैं हमारे पास, इसमें आपको थोड़ा ऑरेंज शेड दिखाई देगा और ये प्योर रेड है। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये जो लाइट रेड शेड में है ये हमारे पास पहले से था, और ये जो डार्क रेड शेड है ये हमने नर्सरी से लिया था, लेकिन नर्सरी वाले भैया ने इसको नरगिस बताया था, लेकिन इसके बल्ब देखकर हमें पता चल रहा था कि ये नरगिस नहीं है, ये अमेरिलिस ही है। लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी श्योर कहा था कि ये नरगिस ही है, तो हमने इसको ले लिया था। तो इसको एक साल लग गया हमारे यहाँ पर फ्लावरिंग करने में, इसको हमने अच्छी से देखभाल की और अब आप देख ही सकते हैं कि एक ही फ्लावर स्पाइक पे चार चार फ्लावर आ रहे हैं। तो ये जो वैरायटी होती है व्हाइट वाली, जिसमें ये रेड शेड है, इसको एम्बियंस अमेरिलिस कहते हैं, जो कि ये बहुत ही आपको ईजिली नहीं मिलेगा, काफ़ी रेयर होता है ये। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ी नर्सरी है, अच्छी नर्सरी है, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो आप अमेरिलिस लेने जाते हैं तो आपको रेड कलर ही मिलता है, जो कि अभी इससे पहले हमने शेयर किया हुआ है। तो ये प्लांट हमारे पास लगभग तीन वैरायटी तो ये हो गई हैं, एक लाइट रेड शेड में है, एक डार्क रेड शेड में है और एक ये वाइट एम्बियंस अमेरिलिस है, और एक हमने आपसे जो वीडियो नंबर याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, उसमें रिपोर्ट करना बताया था, तो वो ऑरेंज शेड में है, तो वो दूसरी वैरायटी है। उसकी फ्लावरिंग हमेशा लेट ही स्टार्ट होती है, लगभग अप्रैल में फ्लावरिंग करता है। तो जब हमने लास्ट ईयर वीडियो शेयर की थी तो उसमें ज़रूर होगा वो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट ईयर वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो ये प्लांट साल में एक बार ही फ्लावरिंग करेगा, मार्च या अप्रैल में, जैसे आपके यहाँ का मौसम होगा। हमारे यहाँ पर ये मार्च के दिनों में ही, लगभग लास्ट मार्च में ही फ्लावरिंग करता है, अप्रैल की शुरुआत हो रही होती है। तो आजकल ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं वैसे वैसे आप बहुत ज़्यादा फूल पाते जाएंगे। इसको ये जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं ये बल्ब से ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं, इस तरह से आपके पास एक या दो साल में ही इतने प्लांट्स बन जाते हैं, जो कि लास्ट में वीडियो के हम आपसे शेयर करेंगे। वो एक्स्ट्रा प्लांट्स थे तो वो हमने नीचे की तरफ लगा दिए हैं, बाकी इतने सारे पॉट्स हर प्लांट को देने होते हैं तो कहाँ तक रखे जाएँ, लेकिन हम सोच रहे हैं उनको भी वापस से पॉट में ही शिफ्ट कर देंगे, या फिर एक बड़ा सा कोई पॉट लेते हैं जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और डेप्थ कम हो, यानी कि गहराई कम हो, तो उसमें हम सभी एक साथ लगा देंगे, तो ये एक साथ खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी बंदर हैं, बहुत बार आपको बताया है, तो इनको बहुत बचा कर रखना होता है, क्योंकि जैसे ही इनकी कली आती है, आपने देखी है इसकी जो फ्लावर बड होती है वो कितनी प्यारी होती है, तो बंदर सबसे पहले उसको तोड़ देते हैं, तो बहुत बचा कर रखना होता है। तो आप भी ऐसा कीजिए, अगर आपके यहाँ पर बंदर हैं, जब भी इसमें कलियाँ नहीं शुरू हो तो आप उसको, इतनी ज़्यादा धूप की तब ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसा कीजिए कि दो घंटे की धूप भी अगर मिल जाएगी तो उसको अपने सामने दो घंटे की धूप में रख सकते हैं, फिर आप उसको उठाकर कहीं भी जाल वगैरह में रख सकते हैं या अपने घर में अंदर रख सकते हैं, जिससे आप बंदरों से उनको बचा सकें। तो केयर इसकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करनी होती, बस सबसे ज़्यादा पानी का ध्यान रखिए। बहुत सारी बातें हम आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि जो सच होता है वही हम आपसे शेयर करते हैं, फालतू में ओवर फर्टिलाइज़र आपको बताते रहें या ओवर आपको कुछ बातें बताते रहें, जो बात सही है वो सही है,
इसके लिए आप केवल पानी का ध्यान रखिए और गुड़ाई करके कभी एक दो बार, एक महीने में या दो महीने में कभी कभी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास फर्टिलाइजर है वो इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे देंगे तो उसमें ही आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो देखिए, तीन पॉट ये छोटे छोटे हैं, लगभग 10 इंचेस के, और एक ये 12 इंचेस का है, क्योंकि ये जो व्हाइट वाली लिली है इसको थोड़ा, ये बल्ब हेल्दी है तो इनको थोड़ा बड़ा पॉट चाहिए होता है। बाकी आप इसको 10 इंचेस के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, 8 इंचेस के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, 12 इंचेस के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिए। ये कुछ एक्स्ट्रा बल्ब हैं जो मल्टीप्लाई हो गए थे, वो हमने ऐसे ही ज़मीन में लगा दिए हैं, थोड़ा सा गोबर की खाद इसमें मिला करके। धूप की ज़रूरत कम से कम 3 घंटे की तो ज़रूर धूप दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रीपॉटिंग फरवरी के टाइम पर करी जाती है जिससे आप अच्छी इसकी फ्लावरिंग पा सकते हैं। लेकिन काफ़ी कमेंट्स आते हैं क्या रीपॉटिंग करना ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी नहीं भी होता है, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड हो जाता है तो अच्छी फ्लावरिंग मिल जाती है। देखिए यहाँ पर भी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। जो बेबी बल्ब होते हैं जो साइड में छोटे छोटे बन जाते हैं, उनको जब आप अलग से ग्रो करते हैं तो वो आपको 1 साल में ही फ्लावरिंग दे देंगे अगर आप उनकी सही तरीके से देखभाल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।